जान दे भी सकती हूँ, ले भी सकती हूँ। I love you। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने गणपत फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जरूर देख लिया होगा। अब दोस्तों, गणपत फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद पब्लिक जो है काफी ज्यादा पसंद कर रही है इस ट्रेलर को। और सबसे खास बात इस फिल्म के अंदर ये नजर आ रही है कि फिल्म जो है साइंस फिक्शन भी है और धमाकेदार एक्शन के साथ एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ फिल्मी पर्दे पर यानी कि 20 अक्टूबर को लौटने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि एक्शन के साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक्टर ने मेहनत नहीं की है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टाइगर श्रॉफ ने मेहनत नहीं की है, बल्कि कृति सैनन ने भी मतलब जो है एक्शन के लिए खूब ज़्यादा मेहनत की है। अब ऐसे में कृति सैनन के भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एक्शंस हम लोगों को देखने को मिले फिल्म के ट्रेलर के अंदर। ऐसे में दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कृति सैनन ने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए टोटल 4 महीने की ट्रेनिंग की है। जी हाँ, उन्होंने जमकर मेहनत की है। उन्होंने बताया कि मैं टोटल पर डे यानी कि हर रोज़ 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी ताकि कैसे स्टंट किया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए उन सब का, और अपने डाइट पे भी खूब ख्याल रखती थी। यानी कि उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबे समय तक चली थी और मुझे एक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन इस सारी चीज़ों का एक ही तरीका था जो कि ट्रेनिंग था, उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन से किया है और इसके वजह से जो है फिल्म के अंदर एक्शन में काफ़ी अच्छे से कर पाई हूँ। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या कृति सैनन ने खूब अच्छे तरीके से ट्रेलर के अंदर एक्शन किया है या नहीं? आपकी राय जो है उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।